इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दहेज देने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेने में संकोच करना चाहिए। बेटे में मांगिए मत, बिटिया में देने से थकिए मत, खूब दीजिए। भगवान ने दिया है, देने के लिए दिया है, जो दे लेंगे वही साथ। कन्यादान यज्ञ है, यज्ञ की पत्नी अर्धांगिनी है माँ दक्षिणा, यज्ञस पत्नी ही दक्षिणा, देना चाहिए। भगवान ने दिया है तो बिटिया का ब्याह में खूब दीजिए। और बेटे में, अरे महाराज आपको जो करना है करो, अपने कोई अपेक्षा नहीं, आपको कन्यादान करना है, स्वीकार है, ऊर्जा के साथ श्रद्धा पूर्वक। माताएं रनिवास की ओर पहुंची, बेटियों को विदा दे रही है, शिक्षा देने लगी। एक कठोर है, अब बेटियों को केवल एक शिक्षा दिया करो, एक शिक्षा, बेटी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति में स्त्री एक ही देव का वरण करती है। तो जो बेटी छोटी बेटी अपने मन को केवल अपने पति के लिए सुरक्षित रखती है, उसके देवता को यमराज तो क्या वैकुंठनाथ भी बिना उससे पूछे नहीं बुला सकते। निष्ठा बनाकर रखो, हमने घुमा के कह दिया, अर्थ निकालते रहना। बेटियों में देव के प्रति निष्ठा रखो। यहां लिखा है, अनुसुईया माँ ने कहा, बिनु शम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छले गए, एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नेमा, क्या काय वचन मन पति पद प्रेमा। मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक, राम जी रावण को मार सकते नहीं। पिछली बार श्रीमद देवी भागवत के आश्रम में जब कथा हमने तुलसी जयंती में आपको गा के सुनाई थी, उसमें एक प्रसंग निवेदन किया था। माँ जगत जननी पारंबा भगवती जगदीश्वरी ने कहा, भुवनेश्वरी माँ ने कहा कि देखिए मैं रावण का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी, क्योंकि मैं कवच बनी हूं, उसने मेरी सेवा की है, परंतु अपने आचरण से, मदिरापान से, जुआ से, गमनागमन से इतना गिर जाएगा कि मुझे लंका छोड़ करके ही चल देना पड़ेगा। हमको भगवान ने रावण जैसी संपत्ति दे दी, सोने की नगरी, तो भी जब हम धर्म का आश्रय करेंगे तभी वो सुरक्षित रहेगी, सोने की लंका। हमने अधर्म आचरण शुरू किया, अरे साहब आती है तो आवाज आती है, साहब लक्ष्मीनिया जब जाती है तो आवाज नहीं आती। इसलिए धर्म का आश्रय करना चाहिए। मां ने श्रीमद देवी भागवत में कहा, हे त्रिदेवो, रावण दुराचार करते 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 इतना पदभ्रष्ट हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा कि उसकी श्री समाप्त हो जाएगी, तब मैं उसको छोड़कर चल दूंगी और उसी दिन राम जी रावण का वध करेंगे। यही माताएं, यही जनक जी महाराज, यही माँ सुनैना सब बेटियों को शिक्षा दे रहे। माताएं कहती हैं, हो ये हूँ संतत पिय ही पियारी, चिरु ऐही वात आशीष हमारी, हो ये संत प्रिय ही प्यारी, चिरुआ
सासु ससुर गुरु सेवा करे हो पति रोख लखिया यसु अनुसरे हो सासु स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिख वही मृदु अति स्नेह अति प्रेम सखियां समझदार माताएं नारी धर्म का उपदेश करती है क्या बहुरी बहुरी भेट महता माताएं कहती हैं बेटी सतत निरंतर लगातार अपने पति की प्रियता को प्राप्त करना प्रिय होना। पिछली बार चर्चा में आई थी बात प्रियता के दो रास्ते एक सेवा करके दूसरा समर्पित होकर। सेवा करके प्रिय बन जाएं अथवा समर्पण रखकर प्रिय बन जाएं दोनों में एक और जो दोनों में करना चाहेगा वो चतुर नर। भक्ति में छाड़ चतुराई तब बढ़ना पड़ता है। सदा प्रिय सेवा करना श्रेष्ठ की सेवा ये सद्गुण है। सेवा सरल नहीं है सेवा बहुत कठोर है। क्यों दादाजी जी बहुत आग में रहना पड़ता है साहब। आप किसी की सेवा कर रहे हो तो उसको दवा खाना हो तो मांगना पड़े तो सेवा गई। सेवक को सेव्य का ध्यान रखना कि इनको पानी कब चाहिए पता चला चिल्ला रहे हैं पानी लाओ अभी तो पिए हैं आप ले। सेवा नहीं है यह अपराध है। सेवा सेव्य के मन से सेवक चले ये सेवा है। यही भरत भैया कहते हैं सिर भरे जाऊं रे उचित यस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा देखी भरत गति सुन मृदु वाणी सब सेवक गण गरही गलानी देखी भरत। सेवक धर्म कठोर भरत जी भगवान नहीं है वन में है तो भी होई हिनाथ अश्व अश्वारा नहीं 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 राम पयादे ही पाए सिधाए हो मोकह रथ गज बावजी बनाए क्या जैसी सेवा ऐसी प्रभु की सेवा भगवान को क्या पसंद ये। प्रेम के लिए एक गाना बहुत बढ़िया है भगवत सेवा के लिए बहुत बढ़िया कहाँ का है आई डोंट नो प्रधान जी लेकिन ये गाना बहुत अच्छा मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी है इसकी जो तुमको हो पसंद
वही बात करेंगे। आगे क्या हो? तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात, तुम रात कहेंगे। तो हम रात कहेंगे, संभव है क्या? यही प्रेम है। जो इतना समर्पण रख सके, ये प्रेम। मां कहती है ऐसा करोगी आप, देखिए निरंतर पति की प्रियता को प्राप्त कर गई बेटी तो चिर वही बात अशीष हमारी, तो आपका सिंदूर सदा अचल रहेगा। ये सास ससुर की सेवा करना, पति के रुख इशारे भाव को समझकर व्यवहार करना, इतना प्रेम है। माताएं विकल हो गई, विवल हो गई। ब्रह्मा जी से पूछती है माताएं, हे पितामह ब्रह्मा, आपने स्त्री को क्यों बनाया है? ठीक इसके विपरीत चिंतन करिए, बहुत अद्भुत चिंतन है, किसी महापुरुष का है। जैसे आएगा तो मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन चिंतन सुन लीजिए। भगवान भक्त को सर्वस्व किस प्रकार दे देते हैं? जैसे भारतीय संस्कृति में एक कन्या विवाह के समय मांग में सिंदूर भरते ही, जैसे सिंदूर मांग में पड़ा, अपना सर्वस्व अपने पति देव को अर्पित कर देती है, सर्वस्व अर्पित कर देती है, माँ बाप के घर को त्याग कर अपना सब कुछ तन मन धन जन जो भी है पति को दे देती है, और बदले में उसका सब कुछ ले लेती है, बदले में। अब वो जब कमा के आएगा तो मां को नहीं देगा, बच्चों की मां को देगा, लो ने ये तनख्वाह मिलल। मां को नहीं देगा, मां को तो परसेंटेज देगा, बाबूजी को तो देबे नहीं करेगा, बाबूजी को पैसा का काम काम बा। लेकिन बच्चों की मां को नहीं देगा तो पहले ही थैली फाड़ के निकालेगी सीधा राम। केवल मांग में सिंदूर भरने से जगत के पति की सेवा में जाकर एक देवी जिस प्रकार उसका सब कुछ ले लेती है, अब ये बात समझने की है। उसी प्रकार ये तुलसी की कंठी डाल लेने से भगत रघुपति से सब कुछ ले लेता है। हो जाओ यार। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।